और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। अगली खबर आपको बता दें तो लखनऊ से मिल रही है खबर, जहां अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक जारी है। सभी नवनिर्वाचित विधायक बैठक में शामिल हुए हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं। सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक जारी है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सभी नवनिर्वाचित विधायक शामिल हुए हैं। संगठन के बड़े पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद हैं और सपा कार्यालय में ये बैठक हो रही है, तो विधायकों की बैठक जारी है। सपा कार्यालय में अखिलेश यादव की अध्यक्षता में विधायकों की बैठक ली जा रही है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अशफाक अहमद जुड़ गए हैं। अशफाक, अखिलेश यादव की अध्यक्षता में सपा कार्यालय में विधायकों की बैठक जारी है, कितनी महत्वपूर्ण ये बैठक है? देखिए, जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हुए हैं उसके बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों की यह पहली बैठक है और आज कहा यह जा रहा है कि इस बैठक में नेता प्रतिपक्ष का भी चुनाव होना है। और जैसा कि अखिलेश यादव ने जो है अपने लोकसभा सीट से आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया, तो शायद ये तय माना जा रहा है कि विपक्ष जो नेता विपक्ष है उसमें अखिलेश यादव ही को चुना जाना है। और दूसरी चीज ये कि विपक्ष के तौर पर समाजवादी पार्टी की क्या रणनीति होनी चाहिए विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर, इस पर भी ये बैठक जो है बहुत महत्वपूर्ण है। और सबसे खास बात यह है कि सभी विधायक पहुंच चुके अंदर और काफी देर से ये बैठक चल रही है। हम लोग पार्टी कार्यालय के सामने ही मौजूद है और कुछ ही देर में बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में बैठक शायद कंप्लीट होगी, लेकिन गहन विचार विमर्श जारी है और कई मुद्दों पर बातचीत चल रही है। और साथ ही ये भी इसके बाद जो है पार्टी अध्यक्ष कई नेताओं से मिलेंगे और ये भी पता करने की कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव है उसमें आखिर पार्टी की हार क्यों हुई। जी बिल्कुल अशफाक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो संगठन के बड़े पदाधिकारी भी शामिल हुए इस बैठक में और सभी नव निर्वाचित विधायक शामिल हैं।